आइन के मुताबिक हर रुकनी असेंबली का वोट शुमार होगा। रुकनी असेंबली का वोट शुमार न करना इसकी तस्दीक होगी। उम्मीदवारों को पता होता है वो कब आजादी से वोट नहीं दे सकते। सदारती रेफरेंस में उठाए गए मामला पार्लियामेंट में हल क्यों नहीं किए गए? सुप्रीम कोर्ट के पास आइन में मुदाखलत का इख्तियार नहीं, मामला पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर डीसीट किया जा सकता है। सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मजर आलम ने रिमार्क्स दिए, मेरे ख्याल में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर सिर्फ डी सीट किया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, क्या दूसरी कश्ती में छलांग लगाकर हुकूमत गिराई जा सकती है? जस्टिस मुनीब ने कहा, सब ने मर्जी की तो सियासी जमात इदारा नहीं हुजूम बन जाएगी, अराकीन के इधर उधर जाने से तबाही फैलेगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जिस सवाल का जवाब आईन में है इस पर राय हमसे क्यों मांग रहे हैं? वाज़ह रहे कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अक्सरियत का वोट जाए तो वो हट जाते हैं। तमाम अराकीन असेंबली को वोट कास्ट करने की इजाजत है। हर रुकने असेंबली वोट का हक इस्तेमाल करने में खुद मुख्तार है, किसी को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट बार का तहरीरी जवाब, हर रुकन को वोट डालने का हक है, सदारती रेफरेंस कबल इस वक्त और गैर जरूरी है। नून लीग का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने जवाब में कहा, सदारती रेफरेंस आर्टिकल 186 के दायरे इख्तियार में नहीं आता। जेयूआई ने जवाब दिया, स्पीकर को अराकीन के वोट मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब जमा कराया कि वोट पार्टी की अमानत है, वोट की इनफरादी हैसियत नहीं होती। ट्वेंटी फोर न्यूज की खबरों पर ऐवान वजीर आला पंजाब में हलचल। ऐवान वजीर आला से रिकॉर्ड गायब करने की खबर किसने लीक की? साबिक वजीर आला के लिए मरात में इजाफे की खबर मीडिया तक कैसे पहुंची? ऐवान वजीर आला में तायुनात अफसरों और मुलाजमीन से तफ्तीश शुरू। सेक्रेटरी INC जैद बिन मकसूद की इंक्वायरी जारी। मुलाजमीन से मोबाइल फोन और दीगर राबतों से मुतालिक तहकीकात। अपोजिशन और हुकूमती इतिहादियों में मुशावरत तेज। MQM के वक्त की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद MQM की हुकूमत से अलग होने पर बातचीत। MQM वक्त में खालिद मकबूल सदीकी, आमिर खान और दीगर शामिल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, नासिर शाह, सुहेल अनवर सियाल भी मुलाकात में मौजूद थे। साबिक सदर और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पार्लियामानी इजलास। जियाले अराकीन को कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक हिदायत दी गयी। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक भी लाहे अमल समझाया गया। ये जो मार्च होगा महंगाई के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ, एक गैर जमहूरी मुसल्लत शुदा हकूमत के खिलाफ, एक मुतालबा और मैं करता हूँ कि जितने भी इमरान खान से लेकर उनके वजरा हो, उनके मुशीर हो, जितने भी हो, इन सब का नाम ACL में शामिल होना चाहिए। इनको बाहर नहीं जाने देना चाहिए। एक गैर आइनी हुकूमत को हम आइनी तरीके से बर्खास्त करने की कोशिश करते हैं। PDM का वजीर आजम और काबीना अरकान के नाम ACL में डालने का मुतालबा। हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि हमारा मार्च महंगाई और गैर जमहूरी हुकूमत के खिलाफ है। 26 मार्च से महंगाई मार्च के काफिले रवाना होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत सियासी कमेटी का इजलास। इमरान खान ने सियासी सूरतेहाल पर कानूनी टीम से मुशावरत की। इमरान खान का कहना था कि वो माफिया का मुकाबला करेंगे और तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। इनको गलत फहमी है कि मैं दबाव में आ जाऊंगा। अवाम 27 मार्च को बता दें कि वो किसके साथ हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं है, हम बदी के खिलाफ। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का इमरान खान पर सियासी पार्टी के लिए सरकारी ओहदा और वसाइल इस्तेमाल करने का इल्जाम। कहा, 27 मार्च के जलसे के लिए ओहदे और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। अक्सरियत खो देने वाला वजीर आजम कुर्सी पर नहीं बैठ सकता।
इमरान खान के पास हॉर्स ट्रेडिंग का सबूत है तो सामने लाएं। किराए के तर्जुमानों से अवाम को गुमराह किया जा रहा है, झूठ तोहमत का हिसाब अवाम लेंगे। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, एहसन इकबाल बोले इमरान खान ने समंदर पार पाकिस्तानियों से पैसे बटोरे, बैरूने मुल्क से मिलने वाले तोहफे बेचे। नून लीग के एमएनए तोड़कर अब जमीर फिरोशी की बातें करते हो। ओपोजिशन अपने जाल में फंस चुकी है, हमारे पास ओपोजिशन के अराकीन हैं जो वोट नहीं डालेंगे। नून लीग की जलसे के लिए कोई दरखास्त नहीं मिली, कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। कोई वाकया रूनमा हो जाए तो वजारत दाखिला जिम्मेदार नहीं होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इमरान खान 27 मार्च को तारीखी जलसा करेंगे, फौज और अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों को कुचल देंगे। सियासत के मंजरनामे पर पुराने दोस्तों की नई कहानी, चौधरी निसार की तहरीक इंसाफ में शमूलियत की खबरें गर्दिश में, इमरान खान और चौधरी निसार की कुर्बतें हकीकत या अफसाना, माजी में दोनों एक दूसरे को झूठा करप्ट बेशर्म नालायक और फिरौन करार देते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 गैर कानूनी अकाउंट्स किसने खोले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर के अहम इंकशाफा, कहा स्पीकर असद कैसर, गवर्नर शाह फरमान, एहसन रशीद, महमूद रशीद, सीमा जिया, जहांगीर रहमान, नईमुल हक मरहूम, जफरुल हक के नाम से अकाउंट्स खोले गए। अकाउंट्स में 23 मिलियन डॉलर की रकम थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन अकाउंट से ला तालुकी का इजहार किया। इमरान खान वजारत उज़्मा पर रहने का अखलाकी जवाब खो बैठे, केस का फैसला जल्द आ जाता तो इंतजार वाली कैफियत न होती,